गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कमलाज किचन में आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी, और ये रेसिपी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो वीडियो में लगातार बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने हरे प्याज और बथुए की जो है सब्जी बनाने वाले हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने हरे प्याज लिए हैं। लगभग 200 ग्राम हरे प्याज हैं, बिल्कुल ताज़ा, और इनको काटकर पानी से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद हमने ये बथुआ लिया है, 500 ग्राम बथुआ लिया है, इसको भी हमने काटकर और उबाल लिया है। और उसके बाद पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसकी जो धूल मिट्टी है उनको हमने अलग कर दिया है। ये हमने दो छोटी हरी मिर्ची काट ली हैं मीडियम साइज़ में। ये 5 से 7 कलियां लहसुन की, जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, और ये नमक लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे। एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल, आप रिफाइंड तेल भी यूज में ले सकते हैं। तो चलिए गैस को ऑन करते हैं। ये हमने गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई भी ऊपर रख दी है। कढ़ाई बिल्कुल जो है गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर तेल डालने वाले हैं। ये देखिए तेल डाल दिया है, और तेल को जो है बिल्कुल अच्छे से गरम करना है 2-3 मिनट तक। ये देखिए तेल जो है वो बिल्कुल गरम हो चुका है, और अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए हरी मिर्ची डाल दी है, और हरी मिर्ची को जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। इसके अंदर हरी मिर्ची ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाना है। ये देखिए हरी मिर्ची जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, पक चुकी है। और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं बथुआ। देखिए बथुआ जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और ये सर्दियों के सीजन में पाया जाता है खेतों के अंदर। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसको जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट, ये देखिए। और अब जो है इसको मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है पानी डालना है, ताकि जो मसाला वो नीचे चिपके नहीं, इसलिए। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, और जो मसाले को है वो बिल्कुल अच्छे से हमें पकाना है। मसाले को कच्चा नहीं रखना है, तो चम्मच को लगातार चलाते रहें, ताकि जो मसाला है वो कढ़ाई के ना चिपके नीचे, इसलिए। ये देखिए मसाला बिल्कुल पककर तैयार है। अब हम इसके अंदर हरे प्याज डालने वाले हैं। ये देखिए हरे प्याज छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हरे प्याज डाल दिए हैं, और इनको जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे बथुए के अंदर। बथुआ और हरे प्याज की जो है बहुत ही पौष्टिक सब्जी बनती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। और ये दोनों ही चीजें जो है सर्दियों के अंदर पाई जाती हैं, और बथुआ खास करके खेतों में रबी की फसल में पाया जाने वाला पौधा है। गाँव के अंदर बहुत ही पौष्टिक जो है सब्जी बनती है बथुए की। तो आप भी एक बार जरूर टेस्ट करें ऐसी सब्जी का, बहुत ही लाभदायक होती है, टेस्टी भी होती है, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट जो सब्जी होती है ये। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों, मात्र 2 से 3 मिनट में जो है हम ये सब्जी बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। इसमें कोई भी फालतू का झंझट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से, देसी तरीके से। और अब इसके अंदर जो है चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे, और 2 से 3 मिनट तक जो है चम्मच को चलाएंगे लगातार इसके अंदर, ताकि जो है ये हरे प्याज हैं ये भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए लगभग जो है सब्जी हमारी वो है बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमने गैस को भी बंद कर दिया है, और जो ये सब्जी है इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों,
हरे प्याज और बथुए की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। हमने इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी बन चुकी है। तो आप भी अपने घर पर बिल्कुल इसी तरीके से जो है सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही आसान विधि मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।